हेलो एवरीवन, क्लास 5 मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी करते हैं। चैप्टर 1 रोमन न्यूमरल, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, रोमन न्यूमरल फॉर द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर क्या होता है? 100। तो ऑप्शन ए, एक्स का मतलब रोमन न्यूमरल में होता है 10। बी, सी का मतलब होता है 100। सी, एम का मतलब होता है 1000। और ऑप्शन डी में हमको दिया हुआ है डी, जिसका मतलब होता है 500। तो स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर ऑप्शन बी, दैट इज सी, 100। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन रोमन न्यूमरल देयर आर ओनली डैश बेसिक सिंबल्स। कौन कौन से बेसिक सिंबल्स होते हैं रोमन न्यूमरल में? देखो, एक तो होता है आई, जिसका मतलब हो गया 1। एक होता है वी, जिसका मतलब हो गया 5। एक होता है एक्स, वो होता है 10। एक होता है एल, ये होता है 50। देन सी 100, देन डी 500, एंड देन एम 1000। बस ये 7 बेसिक सिंबल होते हैं और इन्हीं से सारा रोमन नंबर बना है। तो ऑप्शन ए 7 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन ए में बोला है देर आर 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स, अभी हमने पढ़ा था, तो ये तो ट्रू है। ऑप्शन बी में बोला है वी एल डी कैन ओनली बी यूज वंस एंड कैन नॉट बी रिपीटेड। हाँ, कभी भी आपने रोमन नंबर में वी एल और डी को रिपीट होते हुए नहीं देखा होगा, दे आर नेवर रिपीटेड, तो ये भी ट्रू है। ऑप्शन सी पे आ जाओ, इन रोमन न्यूमरल 9 इज रिटन एज आई एक्स एंड 490 इज रिटन एज एक्स डी। ये वाला गलत है। 9 को तो हम आई एक्स लिखते हैं, लेकिन 490 को हम कैसे लिखते हैं? पहले 400 सी डी और 90 को हम लिखते हैं एक्स सी। तो इसका आंसर होना चाहिए था सी डी एक्स सी, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आई कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और ऑप्शन में हमें दिया है एल सी एम या ऑल ऑफ दीज। अब देखो, जो सिंबल आई होता है ना, उसको हम सिर्फ दो रोमन न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है वी और एक्स, बाकी इनमें से नहीं हो सकता। तो ना तो एल से हो सकता, ना तो सी से, ना तो एम से, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट गलत वाला बताना है। ए में बोला है इन रोमन न्यूमरल 49 इज रिटन एज एक्स एल आई एक्स। ठीक है, एक्स एल होता है 40 और आई एक्स होता है 9, तो 49, ये ट्रू है। ऑप्शन बी में दिया है इन रोमन न्यूमरल 1450 इज रिटन एज एम एल डी। 1450 प्लस 400 प्लस 50, तो 1000 की जगह हम लिखेंगे एम, 400 हम लिखते हैं सी डी, और 50 के लिए हम यूज करते हैं एल, तो यहाँ पे होना चाहिए था एम सी डी एल। ये वाला है फॉल्स, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अपने अगले वीडियो में और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब। बाय बाय।